हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल स्मार्टफोन्स हर इंडिविजुअल के पास होना कोई स्पेशल बात नहीं है। इनफैक्ट इस टाइम आप शायद ये वीडियो भी किसी स्मार्टफोन पर ही देख रहे हो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ इस एक स्मार्टफोन ने कितनी सारी चीज़ों को अफेक्ट किया है? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसा कोई काम नहीं है जो स्मार्टफोन नहीं कर सकता। इकलौता स्मार्टफोन आपकी काफी सारी चीजों को कम कर देता है, जैसे कि वॉच, कैलकुलेटर, कंपास, कैलेंडर, डायरेक्टरी एटसेट्रा। स्मार्टफोन्स का सबसे यूजफुल फीचर है इंटरनेट। जिस समुद्र में आप कुछ भी ढूंढे तो वो सब मिल सकता है। इंटरनेट होने की वजह से लाइफ काफी आसान हुई है, लेकिन उसकी हमें कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी है। इंटरनेट पर जब लोग वीडियोस देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तब वो हमारी ट्रेडिशनल मीडिया जैसे टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इंटरनेट के आ जाने से न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का भारी नुकसान हुआ है। 16 to 45 एज की जनरेशन ने जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया है। सारे करंट अफेयर्स और न्यूज जब फोन पर एक क्लिक में मिल जाए तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की मेहनत क्यों ही करेगा। लोगों का अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से सारी चीजें क्विक एंड रेडी टू यूज बनाई जाती है, जैसे शॉर्ट वीडियोस, इंस्टेंट फूड एंड शॉर्ट न्यूज। न्यूज़पेपर कंपनीज को रेलिवेंट रहने के लिए अपने एप्स एंड वेबसाइट्स तक बनाने पड़ गए हैं। न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन एक और बड़े रीजन की वजह से ड्रास्टिकली कम हुई है, वो है COVID-19। जैसे ही COVID-19 का पैंडमिक शुरू हुआ था, तब सब लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। न्यूज़पेपर की रीडरशिप बढ़ने के बजाय कम कैसे हुई? वो ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कम से कम हो, क्योंकि उससे वायरस ज्यादा फैल सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कोरोना के डर से न्यूज़पेपर मंगवाना बंद कर दिया था। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम है एडवर्टीजमेंट, पर जब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गई है, तो ऐसे में न्यूज़पेपर्स के पास एड्स आना भी कम हो गई है। अब आप ही सोचिए, अगर आप एक हेडफोन्स बेचना चाहते हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी 15 टू 30 इयर्स की एज के लोग, पर अगर आपकी टारगेट ऑडियंस न्यूज़पेपर पढ़ती ही नहीं तो आप उन तक कैसे पहुंचोगे? सोशल और डिजिटल मीडिया से है ना। बात रही न्यूज़पेपर्स की, तो अब भी ओल्डर ऑडियंस प्रिंट मीडिया ही प्रेफर करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। वैसे आज भी कुछ लोग प्रिंट मीडिया सिर्फ उसकी अथेंटिक और कन्वेंशनल अपील के लिए पसंद करते हैं। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।